हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशन प्रोविंस में। तो हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे भी अच्छा फीडबैक आ रहा है, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, इस बात के लिए मैं खुश हूँ। और कुछ लोग मुझे फिजिकली अप्रोच करके बोले कि सर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ बनाइए, एंड कुछ ऑनलाइन कॉमेंट करके भी मुझे रिक्वेस्ट किया गया। तो पहले मैं ऑनलाइन कमेंट पे जो रिक्वेस्ट आया था, वो पहला रिक्वेस्ट था मेरा, क्लास 9 के एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि हेरन्स फार्मूला के ऊपर उन्हें कुछ डाउट है, उसके ऊपर क्लासेस चाहिए। तो आज मैं क्लास 9 का हेरन फार्मूला, जो चैप्टर 12 है, उस पर क्लास लेने जा रहा हूँ। तो जिन्हें ये ज़रूरी है, जो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ज़रूरी समझते हैं, या फिर जिनको इस पर डाउट है, वो सब आएँ, इससे जुड़ें और इससे पूरा लाभ उठाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में इससे शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों में शेयर भी ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज हेरन्स फार्मूला। जो है आपका चैप्टर 12 है। तो क्लास 9 का ये सब्जेक्ट है, मैथ का। तो पहले हेरन्स फॉर्मूला पहले क्या है, इससे पहले हमको जाना पड़ेगा ट्रायंगल में। ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है। तो ट्रायंगल हमने बहुत टाइप के पढ़े थे। ट्रायंगल में क्या क्या होता है, एक ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं तो इसके तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं। तो ये जो हम यहाँ डील करेंगे, ये है एरिया के ऊपर। हेरन्स फॉर्मूला क्या करता है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने में हमें मदद करता है। तो हम इससे पहले स्कूल में पढ़े थे, या इससे पहले टॉपिक में हम इतना ही पढ़े थे कि एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट जिस साइड के ऊपर बनता है, ये परपेंडिकुलर जिसे हाइट बोलते हैं, जिस साइड के ऊपर बनता है उसको बेस बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर यही कोई ट्रायंगल ऐसे है, अगर और सपोज कोई ट्रायंगल इस तरह से है और हाइट यहां पर बना है, तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। तो यहां पर हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमेशा ये नीचे वाला बेस होगा बोलकर कोई मतलब नहीं है। हाइट यानी परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर बनता है उसको बेस बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, वहाँ हमें बेस और हाइट गिवेन होना चाहिए, तब जाकर हम ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालते थे। यहाँ पर हाइट हमेशा अंदर होगा, उसका कोई मतलब गारंटी नहीं है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो बाहर भी हो सकता है। जैसे बेस, तो बेस सिर्फ इतना ही होगा, ये टोटल बेस नहीं होगा। तो वो बेस होगा, ये हाइट होगा। यहां पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ में आया। तो ये था एक सिंपल फॉर्मूला। बट प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुआ, जहां हमको बेस और हाइट नहीं दिया गया था, और उस जगह में हमको क्या दिया गया था, सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो कैपिटल ए के सामने वाला हम स्मॉल ए लेते हैं, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। अगर तीनों साइड गिवन है, बेस और हाइट गिवन नहीं है, अगर तीनों साइड गिवन है तो हम वहां पर कैसे निकालेंगे एरिया। तो पेरीमीटर तो सबसे ईजी है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जो तीनों साइड को आपको मिला लेना है, उसका जो बाउंड्री है। बट एरिया जो कैलकुलेट करते वक्त, ये सब हम एरिया निकाल रहे थे, तो यहाँ पर हेरन्स फॉर्मूला हमें यूजफुल होता है। तो हेरन फॉर्मूला क्या करता है, ट्राइंगल का वहाँ पर हम एरिया निकालते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है, गिवेन तीनों साइड गिवेन होता है, समझ में आया। तो यहाँ हेरन फॉर्मूला यूज़ होता है। तो हेरन फॉर्मूला के हिसाब से उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्राइंगल का सिंबल, मतलब एरिया का सिंबल है ये, मैंने यूज़ किया है इसे। तो रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहां एस क्या है, वेयर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू।
इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसीलिए इसका सिंबल एस लिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर, उसका आधा, इसीलिए सेमी पेरीमीटर। जैसे एक सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है, तो यहां पर ये लिया गया एस। उसके बाद आप ये फॉर्मूला में यूज कर लो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो सबका रूट ओवर निकाल लोगे तो निकल जाएगा आपका एरिया। ये है हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपका 12.1 का एक्सरसाइज हम करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, जो जो सीबीएसई करिकुलम में है उनके लिए ये वीडियो है, और जो दूसरे करिकुलम में है वो सिर्फ उसको देख सकते हैं। बट अभी मैं जो प्रॉब्लम्स करूँगा वो सबके लिए हेल्पफुल है, बट ज़्यादातर उनके लिए हेल्पफुल है जो सीबीएसई में है। तो सीबीएसई का आप मैथ बुक का 12 चैप्टर का हम 12.1 अभी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका 6 प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, वन बाय वन में 6 प्रॉब्लम करूँगा। तो आप अपने बुक से प्रॉब्लम देख सकते हैं, क्वेश्चन आप वहाँ से नोट डाउन करके लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, बट मैं सिर्फ सॉल्यूशन करूंगा। ओके, तो पहला प्रॉब्लम आपका है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। तो क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर में एक ट्रायंगल शेप का एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसका साइड क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड सेम है, ए ए ए। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया है कितना, 180 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 है। तो यहां तीनों सेम है, तीनों ए ए ए है, यानी ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 180। That implies 3a equals to 180. That implies a equals to 180 by 3. 60 सेंटीमीटर निकला आपका a. तो हेरन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, a निकल गया, s चाहिए। तो यहाँ s क्या हो जाएगा, p by 2, यानी a plus b plus c by 2, यानी 180 by 2 हो गया 90 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, थ्री टाइम्स। तो ये हो गया 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो यहाँ पर देखिए, सब इंटू करके पूरा एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर निकलेगा, फिर रूट ओवर वैसा नहीं निकालना है, सिंपल ट्रिक यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए, एक दो तीन चार, चार जीरो है, रूट ओवर के बाहर आ जाएगा दो जीरो, ठीक है? अंदर क्या है, नाइन है, नाइन का रूट ओवर क्या होता है, नाइन का रूट ओवर थ्री। ये दो तीन में से एक तीन बाहर आ जाएगा और अंदर बच गया रूट थ्री, तो ये कितना हो गया, 900 रूट थ्री सेंटीमीटर। ये था आपका, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम पेरीमीटर यूज करते हैं उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर यूनिट, जो भी है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, जो आपके इसमें बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो जैसे यहाँ पर हो गया, अगर तीनों ए ए ए है, तो एस हो गया ए प्लस ए बाय टू, यानी थ्री ए बाय टू। तो एरिया क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए होता है, थ्री ए बाय टू इंटू थ्री ए बाय टू माइनस ए, थ्री ए बाय टू माइनस ए, थ्री ए बाय टू माइनस ए, इस तरह से निकलेगा एरिया। तो 3a बाय टू, ये दोनों माइनस करने से क्या होगा, 3a माइनस 2a बाय टू, यानी a बाय टू इंटू a बाय टू इंटू a बाय टू। a बाय टू कितना है, चार है, तो a बाय टू, दो a बाय टू बाहर आ जाएगा, a बाय टू इंटू a बाय टू
रूट ओवर क्या बचा, ये सब बाहर चला गया, 3 बचा, तो रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर। ये निकला क्या, यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला, एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ हम ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर, ए कितना निकला यहाँ पर हमारा 60, तो इस फॉर्मूला यूज करके भी यूज कर सकते हैं, रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर यानी रूट 3 बाय 4 इंटू 60 इंटू 60। निकल गया, सिंपल है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। तो अब आइए सेकंड प्रॉब्लम में जाते हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा आपके शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े फ्लाईओवर होते हैं, तो फ्लाईओवर के साइड में क्या होता है, कुछ दीवार होता है जहाँ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगा होता है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्हें उनको चार्ज देना पड़ता है वहाँ के म्यूनसिपालिटी या फिर जो उसका अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है। द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, वहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो साल में कितना उसका कमाई होता है, 5000 एक मीटर स्क्वायर का, 5000 होता है एक साल में। तो एक कंपनी ने इसे हायर किया फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड ही पे, तो उसे कितना रेंट देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक साइड वॉल जो है जिसको वो क्या किया है, रेंट पे लिया है, उसका एरिया निकालेंगे जितना मीटर स्क्वायर में निकलेगा इंटू 5000 करना पड़ेगा, एंड देन वो साल का 5000 था तो 3 महीना का कितना होगा वो निकालना है। तो पहले सबसे पहला काम है हमारा उसका निकालना है एरिया। तो इस टाइप का है, तो इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो हेरोंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले एस हो जाएगा 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, इसको ऐड कर लो सब, 2 प्लस 2 हो गया 4, 2 2 6 तो ये निकला उसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, फॉर्मूला यूज कर लो आप, 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। वन थर्टी टू से 122 गया 10, नेक्स्ट यहाँ 110, यहाँ 12। अब यहाँ क्या करना है, 132 इंटू, यहाँ देखो दो जीरो है, इससे एक जीरो हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, तो अंदर बचा कितना, 11 इंटू 12। 132 को अगर सिंप्लीफाई करना है तो उसको क्या करेंगे, सिंपली हम फैक्टराइज कर देंगे तो निकल जाएगा 132 तो 12 इंटू 11 और बाहर में है 10, तो क्या हो गया, पहले मैं इसको फैक्टराइज कर दिया, 2 से डिवाइड किया 66 आया, फिर 6 से डिवाइड कर दिया 11 आया यहां पर। ठीक है, तो 6 टू जा 12 इंटू 11 करने से 132 निकल रहा है, तो 132 के जगह में मैं लिख दिया 12 इंटू 11, पहले से 11 इंटू 12 था यहां, तो 2 11 2 12 हो गया, तो 11 इंटू 12 इंटू 10, तो ये निकल गया 132 इंटू 0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्या उसका एरिया।
अब कितना खर्चा होगा, मतलब कंपनी जिसने हायर किया है उसको कितने रुपए देने होंगे पर मीटर स्क्वायर का, एक साल में देना पड़ता है 5,000। तो पहले हम एक साल का निकाल लेते हैं, फिर 3 महीने का निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करना है, उसको 1 ईयर के लिए देना पड़ता है 5,000। तो सॉरी, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो गया, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 1320 इंटू 5,000, ठीक है, ये हो गया पर ईयर एक साल का। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीना में कितना होगा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 महीना में 3/12। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटू 3/12। इंटू डिवाइडेड बाय हो गया 4, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। अब तो इतने रुपए उसे देने होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए तीसरा प्रॉब्लम, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, स्लाइड जो स्लाइड करते हैं, जो फिसलते हैं इन अ पार्क, उस टाइप का बना हुआ है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, एक साइड वॉल को कलर से पेंट किया गया है, कुछ उसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15, 11 and 6, इस टाइप का अगर है वहां पर मीटर, ओके, हाँ, तो कितना एरिया पेंट किया गया है। सिंपल, इसको क्या करना है, पहले एस निकालना है, 11 + 15 + 6/2, तो 5, 1, 6, 6, 12, 2, 1, 1, 2, 3, तो निकला 16 मीटर। अब एरिया निकालना है, 16 × 16 - 11, 16 - 15, 16 - 6, तो 16 का रूट ओवर 4, 16 से 11 गया 5, 16 से 15 गया 1, 16 से 6 गया 10। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, तो यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है, तो 5 आ गया बाहर, अंदर 2 है, √2, 20√2 meter square, ये होगा मीटर, पेरीमीटर है और एरिया निकलता है मीटर स्क्वायर में, ओके। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप इसे नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। यहां पर क्या किया है, एक ट्रायंगल है, इसका दो साइड दे दिया, एक साइड 18 सेंटीमीटर और एक साइड आपका दे दिया है 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो ए दे दिया है 10, बी दे दिया है 18, ये है ए प्लस बी प्लस सी,
तो a प्लस बी प्लस सी है 42, a के जगह में 10, b के जगह में 18 प्लस सी हमको निकालना है 42। नेक्स्ट ये हो गया 28 प्लस सी इक्वल्स टू 42, दैट इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू 42 माइनस 28, दैट इम्प्लाइज सी कितना आएगा, 42 माइनस 28 14। ओके अब क्या करना है, इसको सेमी पेरीमीटर क्या निकल जाएगा यहां, पी बाय टू यानी 42 बाय टू यानी 21 सेंटीमीटर। ओके अब सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 का रूट ओवर, तो 21 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11, तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 दो बार आ रहा है तो उसको बाहर ले आते हैं एक, तो 7 इंटू 3 इंटू रूट ओवर ऑफ 11, तो उसका आंसर फाइनली कितना निकला एरिया का, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब तीनों साइड हमको दे दिया है, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू कितना है 12:17:25 एंड पेरीमीटर दे दिया है कितना 540 सेंटीमीटर, इससे हमको एरिया निकालना है। तो तीनों का रेशियो दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 12x, बी इक्वल्स टू 17x, सी इक्वल्स टू 25x, क्योंकि ये सब रेशियो में है तो कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करके हम उसको ले सकते हैं, तो x फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया है 12x, 17x, 25x, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, दिया है हमको 540, ए के जगह में पुट करो 12x, 17x, 25x इक्वल्स टू 540, तो ये कितना हुआ 7 और 5 12, 13 14 4 1, 2 1 3 1 4 1 5, 54x इक्वल्स टू 540, तो 54 कट गया, x निकला 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सब में मल्टीप्लाई कर लो तो फाइनली ए कितना निकला 120 सेंटीमीटर, बी निकला 117 सेंटीमीटर, सी निकला 250 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी सी निकल गया और यहाँ पर एस कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हम एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट ओवर, यानी 540 इंटू 540 माइनस 120, 540 माइनस 170, 540 माइनस 250, तो हो गया 540 इंटू 540 से 120 गया 420, 540 से 170 गया 370 इंटू 540 से 250 गया तो 290, ठीक है। इसका रूट ओवर, तो इसको जैसे मैं बताया था सिंपल प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 जीरो है, 2 जीरो बाहर आ गया 100, 54 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 6, देन 42 को 7 इंटू 6 इंटू 37 और 29 अंदर रह जाएगा एज इट इज, ठीक है। दो छः में से एक छः बाहर आ जाएगा, 9 का रूट ओवर 3, तो 6 इंटू 3 इंटू 100 इंटू रूट ओवर ऑफ 7 इंटू 29 इंटू 37 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये हो गया 1800 रूट ओवर ऑफ, इसको आप इंटू करके यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और शायद एक आखिरी प्रॉब्लम है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, देन आज का क्लास कंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी का इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रॉब्लम करते हैं। एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलस ट्राइंगल यानी दो साइड उसका सेम है, दोनों गिवन है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो थर्ड, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी सपोज नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 30। तो 12 + 12 + c = 30, 24 + c = 30, दैट इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू 30 - 24, दैट इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको तीनों साइड मिल गया 12, 12 एंड 6, पेरीमीटर था 30, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। ओके, अब आप यूज करिए हेरन्स फॉर्मूला, तो एरिया क्या हो जाएगा 15 × 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6, 15 - 12 कितना होगा 3, 3, 9, ये दो थ्री में से एक थ्री बाहर आ गया, 9 का रूट ओवर कितना हो गया 3। तो 15 अंदर एज इट इज रह गया, दो तीन में से एक तीन बाहर आ गया, 9 का रूट ओवर भी 3, तो 3 × 3 = 9 एंड रूट ओवर ऑफ 15, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये था आपका पहला एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को क्या कर सकते हैं, बीच से अगर एक लाइन खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, दो ट्रायंगल। तो सेम हम यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सब यूज करके एक क्या करते हैं हम उसको, एक क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया निकाल सकते हैं। उसके बारे में है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट टॉपिक हेरन्स फॉर्मूला के अंडर में, तो उसको हम और एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना, आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करिए, एग्जाम्पल्स करिए, और आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम करेंगे उतना आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।